रोज़ चैनल में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उससे आपकी हेयर की 90% समस्याएँ समाप्त होने वाली हैं। जी हाँ, आपके हेयर की 90% समस्याएँ समाप्त होने वाली हैं, यानी कि टूटने झड़ने की समस्याएँ, ड्राइनेस की समस्या, इची स्कैल्प की समस्या, डैंड्रफ की समस्या, ये सारी समस्याएं सिर्फ और सिर्फ इस एक हेयर टॉनिक से फिनिश होने वाली है। इस हेयर टॉनिक का रेगुलर इस्तेमाल ना सिर्फ आपके बालों के टूटने झड़ने की समस्याओं को ठीक कर देगा बल्कि आपके बालों को बनाएगा स्मूथ, शाइनी, सिल्की और एक बहुत अच्छा वॉल्यूम देगा आपके बालों को सिर्फ 15 डेज में। आप मेरे बाल देख सकते हैं आज कितने शाइनी हैं, अगर आप कैमरा में देख पा रहे हो तो कितने शाइनी और स्मूथ हैं। और मैं इस हेयर टॉनिक को रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतनी इजीली तैयार हो जाता है और इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल मैंने इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए किया है जो इस टाइम मार्केट में भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। तो पहले मैं आपको हेयर टॉनिक दिखा देती हूँ। ये है वो बढ़िया सा हेयर टॉनिक, इसको मैंने इस तरीके से एक बढ़िया सी स्प्रे बॉटल में इस तरीके से डाल के रख लिया है और ये कोई ग्रीसीनेस नहीं देगा आपके बालों पे। आप इसको शैम्पू करने से पहले, शैम्पू करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको बड़े आराम से 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाला। तो इतना बढ़िया हेयर टॉनिक अगर हमें घर ही में मिल जाए तो हम मार्केट का क्यों खरीदेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से ये बढ़िया से हेयर टॉनिक मैंने बनाया है और किस तरीके से इसको एप्लीकेशन करना है अपने बालों। तो फ्रेंड्स देखिए, इस हेयर टॉनिक को बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 पीसेज आंवला के और कुछ पीसेज कच्ची हल्दी के। उनको इस तरीके से काट के छील लिया है। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी ले लिया है और उसको सिम आँच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इस पानी में जब हल्का सा बॉयल आ जाएगा तब आप इसमें 1 सैशे ग्रीन टी का डाल देंगे और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए, बहुत अच्छे से ग्रीन टी इस पानी में बॉईल हो चुकी है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं कच्ची हल्दी और आंवला, ये दोनों चीज़ें। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम सेम आँच पे फिर से इस वाटर को रख देंगे बॉईल होने के लिए। और आप देखिए ये किस तरीके से उबल चुका है और अब रेडी हो चुका है हमारा टोनर। अब हम इसको किसी स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे और हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें 8 से 10 बूंदें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की डाल देंगे। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और इस टोनर के साथ मिलके एक बहुत अच्छा काम देगा। अब हम इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर के रख लेंगे। इसको आप बड़े आराम से 1 महीने प्रिजर्व करके रख सकते हैं और शैम्पू करने से पहले या शैम्पू करने के बाद आप इसको इस तरीके से अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए। ये आपके बालों को एक बहुत अच्छा टेक्सचर देगा। देखा आपने कितना इजी है इस हेयर टॉनिक को बनाना? आंवला, जो बड़ी इजीली मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है, फ्रेश आंवला, उसका इस्तेमाल मैंने इस हेयर टॉनिक में किया है। साथ में मैंने इस्तेमाल किया है कच्ची हल्दी का। कच्ची हल्दी इतनी अच्छी होती है हमारे बालों के लिए कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इतनी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं हल्दी में कि आपकी स्कैल्प पे होने वाला सोराइसिस तक फिनिश कर देती है। स्कैल्प सोराइसिस को भी फिनिश करती है। जिनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पपड़ी झड़ती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, वो अगर इस हेयर टॉनिक को रेगुलरली यूज़ करेंगे तो उनकी ये समस्या धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। तो इसी वादे के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो लगी होगी आपको बहुत बहुत अच्छी और आप इस हेयर टॉनिक को ज़रूर ज़रूर अपने घर में बनाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे और इसका इस्तेमाल करने के बाद मुझसे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करेंगे कि आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिले। तो इसी वादे के साथ टेक केयर, बाय बाय।